खबर सोनभद्र से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से 11,000 विद्युत करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है 10:15 बजे युवक घर में सोने की तैयारी कर रहा था, तभी घर के पास 11,000 वोल्ट व एलटी लाइन एक ही पोल पर होने से करंट घर में फैल गया था। करंट लगने पर घर के लोग युवक को अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत पर गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। एई व जेई के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग पर लोग अड़े रहे। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ बाजार की घटना बताई जाती है। तो हम के अगर न हटी जनता तो PSC फोर से बुलाई यो नोट कर आप एक्सीजन ना हो का नाम बा सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र, ये कैसे घटना घटे लड़के के साथ? लगभग 10 बजे रात लाइन स्पार्क करने लगा। हाँ, उसके बाद दोबारा फिलहाल चचड़ा पूरा घर घर के मोहल्ले के अंदर करंट चढ़ गया। हाँ, घर में से लड़का हथवा था, बाहर आने के बाद फ्रिज भाग रखा, पूरा करंट फरक गिर गया घर के अंदर। अच्छा, उसको लेकर हम लोग गए 13। हाँ, 13 के बाद जब आप बाद में लोढ़ी के बाद जब आप तो क्या कर रहा था? घर में खा के सो रहा था। तो करंट कैसे लगा? करंट जब लाइन आया ना। हाँ, कचड़ा पूरा मोहल्ले भर सब लाइन फैल गया। हाँ, वो ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो यहाँ जाम लगाए हैं, तो कब से जाम लगाए हैं? क्या मांग है आप लोग की? मांग यही है लाइन भी सुरक्षित करें। यहाँ पर तार कई बार टूट रहा है, उसको जोड़ जोड़ के चला रहे हैं। भाग इतना आता हूँ, बैटरी टूटता है, बेईमान हो गया है, बैटरी टूटता था यहाँ का। तो आप जो टूटता है क्या मुआवजा मांग रहे हैं आप? क्या कितना मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप? 5 लाख नौकरी। 5 लाख नौकरी आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं?